स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। आज के टाइम पर रुपए नेटवर्क्स पर आने वाले सभी क्रेडिट कार्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इन कार्ड से आप डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ऐसे में रुपए नेटवर्क्स पर आने वाला एक एचडीएफसी बैंक का भी बहुत ही पॉपुलर कार्ड है, जो है एचडीएफसी टाटा नियो प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड। ये भी बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है, अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो बहुत सारे कैशबैक भी मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी कार्ड के सारे बेनिफिट्स, चार्जेस और एलिजिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल को। वीडियो हेल्पफुल लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। पहले बात करते हैं बेनिफिट्स को लेकर। एचडीएफसी टाटा नियो प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड पर एज अ वेलकम बेनिफिट 499 नियो कॉइंस मिल जाएंगे। अगर आप 30 डेज के अंदर में कोई फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर देते हो तो एज अ वेलकम बेनिफिट 99 नियो कॉइंस मिल जाएंगे। पहले आपको बता दूं कि इस कार्ड पर कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट बोल के कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर नियो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये आप या तो कैशबैक समझ सकते हो या फिर रिवॉर्ड पॉइंट समझ सकते हो। इस कार्ड पर 2% के नियो पॉइंट्स आपको बैक मिलेंगे। अगर आप टाटा नियो या फिर पार्टनर टाटा ब्रांड्स पर कोई भी स्पेंड करते हो, कोई भी शॉपिंग करोगे, तो 2% नियो कॉइंस आपको बैक मिल जाएंगे। 1% नियो कॉइंस बैक आपको तब मिलेंगे जब आप किसी नॉन टाटा ब्रांड या फिर मर्चेंट ईएमआई पे कोई भी स्पेंड वगैरह करते हो, तो उसमें 1% नियो कॉइंस बैक मिलेंगे। जैसे कि ये रुपए क्रेडिट कार्ड है, अगर आप यूपीआई के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो 1% का नियो कॉइंस आपको बैक मिलेगा। इस कार्ड पर एडिशनली 5% नियो कॉइंस आपको बैक मिल सकते हैं कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज पर, अगर आप टाटा नियो या फिर उनकी वेबसाइट से शॉपिंग करते हो। तो अगर आप इस कार्ड से फ्यूलिंग कराते हो, वॉलेट रिलोड करते हो या फिर स्मार्ट ईएमआई में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो उस केस में किसी भी टाइप के नियो कॉइंस आपको नहीं मिलेंगे। नियो पॉइंट्स ऑन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस पे, जैसे कि अगर आप रेंट वगैरह पे करते हो, तो मैक्स आपको 500 रुपीज का बेनिफिट पर मंथ इस कार्ड के थ्रू मिल सकता है। इसके अलावा इस कार्ड पर जीरो कार्ड लायबिलिटी की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आपका कार्ड चोरी हो चुका है या फिर कोई इसका मिसयूज कर लेता है, लेकिन उससे पहले अगर आप रिपोर्ट करके रखे हो, तो उस केस में कोई भी पेनल्टी वगैरह आपको देनी नहीं होगी। टाटा नियो प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड में 50 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिल जाता है। तो अगर आज कोई आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो 50 दिनों तक आपसे बैंक कोई भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करेगा। इस कार्ड से अगर आपकी स्पेंड बहुत ज्यादा ग्रोसरी पर होती है, तो बैंक ने यहाँ पर एक कैपिंग लगा दी है। ग्रोसरी के स्पेंड पर मंथ मैक्स आपको 1000 का बेनिफिट ही मिल सकता है। इस कार्ड पर 4 कंप्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि क्वार्टरली आपको एक डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। और 2% का फॉरेक्स मार्कअप फीस भी लगेगा। 100 रुपीज कैश विड्रॉल फीस भी इस कार्ड के साथ में एलिजिबल होगी। अब जानते हैं कि इतनी मेहनत से आपने जो नियो कॉइंस को अर्न किया है, इनकी वैलिडिटी कितनी और कैसे नियो कॉइंस को रिडीम कर सकते हो। तो रिडीम करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, आप सामने लिस्ट देख सकते हो। इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाके आप नियो कॉइंस को रिडीम कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके करंट मंथ की क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, उसके अगेंस्ट में भी आप नियो कॉइंस को रिडीम कर सकते हो। तो रिडीम करोगे जैसे आप अपने नियो कॉइंस को, आपका अमाउंट उतना क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में से माइनस होके ही बिल जनरेट होगा। और जो नियो कॉइंस आपको मिलते हैं, इनकी वैलिडिटी 365 डेज, यानी कि 1 ईयर्स के लिए नियो कॉइन वैलिड रहेंगे, उसके बाद भी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे। इसके अलावा एचडीएफसी टाटा नियो प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड के अगर हम चार्जेस के बारे में बात करें, तो इसकी ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस जीएसटी होने वाली है और इसकी रिन्यूअल फीस भी 499 प्लस जीएसटी होने वाली है। लेकिन अगर आप एनुअली 1 लाख या फिर उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हो, तो रिन्यूअल फीस वेव ऑफ भी हो जाएगी। अगर आप भी टाटा नियो प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। आपकी जो इनकम है पर मंथ 25,000 रुपीज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। इस कार्ड पर आपको बेनिफिट्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना, तो उस पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो, आपको इसकी नीड समझ में आती है, उस केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।